भाई फंस गए यहाँ पे कराची में। अब देखें अभी फिर सुबह को उठे तो फाइनल जो मैं आया हूँ जगह पे आया हूँ। क्यों क्या हुआ? जलील की हॉस्टल है इधर ना बिजली। को भाई रात से सुबह हो गई, हम कराची में अटके हुए हैं कराची कार एसी वाले की साइड में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अब मैं मामू बन गया था, कुछ दिन पहले मैंने आपको नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। और आज मेरे जो है कुछ सामान वामान लेने जाना है अपनी भांजी के लिए, हमें वहाँ चलना है। और ये मैंने फ़ोन लिया था कल, वो भी आपको नहीं दिखाया था, वहाँ भी जाना है। तो अभी बज रहे हैं टाइम 1:14 बज रहे हैं, और पहले हम फ्रेश होके आते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका भाई हो गया है तैयार, अभी जाना है सैयद कामरान शाह को अपने मामू के पास छोड़ना है क्लिफ्टन में। तो देखते हैं वहीं करीबी शॉपिंग कर लेंगे हम, तो अभी चलते हैं, पहले सैयद कामरान शाह को छोड़ते हैं वहाँ पे। चलो अभी नीचे चलते हैं और रास्ते में कोई खाना शाना भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है यार। सुबह सुबह को उठा था, अभी अभी तैयार होके आएंगे उसके बाद। गाइस वी आर रेडी फॉर दिस ट्रिप, तो बड़ा बड़ा मज़ा आने वाला है जी। हमने खाना शाना मंगवा लिया है, आ गया है सैयद कामरान शाह हमारे साथ बैठे हुए हैं। हेलो बडी, हाउ आर यू? कुछ ऐसे हैं कि भाई को हम छोड़ने आए यहाँ पे। साईं बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और मैं अभी जाऊँगा सीधा नजीब के पास, नजीब के साथ मिलना है, चलते हैं नजीब के साथ, फिर मैं बातें वहाँ पे बताता हूँ आगे जो करना है। भाई चाय शाय आ गई है, ये तो साइड करो भाई। ओह गिरने वाली थी। मैं चुका हूँ नजीब शाह के पास, हमारा डॉक्टर साहब डॉक्टर नजीबुल्लाह शाह, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे चेज़ा पे भी आ गए हम, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है नजीब, देखते हैं उसके बाद। देखो भाई सीन्स कुछ ऐसे, चेज़ा पे आ चुके हैं और मुझे ये चीज़ें चाहिए थी बच्चों के, ठीक है ये मिली तो ठीक है, वरना कहीं और ट्राई बच्चा पार्टी भी ट्राई करना पड़ेगा। जो हमारा है ये भी डन हो गया, इसको निकालो, ये भी डन हो गया, इसका तो डन। ये परफ्यूम नजीब शाह सर, वाई यू आर सो सेड ब्रो। LCD खराब हो गया है, मोबाइल के लिए परेशान, ये अचानक मतलब रात को मतलब सोया। मेरा ये वाला फोन ले लो डॉक्टर नजीब अपने पेम्पर ढूंढते हुए, ना ये ले लो इधर पैसे दो, है बिल दो अपना, बिल दो बिल दो, तुम्हारी भांजी लगती है ना, बिल दो। अरे यार भांजी से ऊपर नहीं है यार, क्या नहीं नहीं बस छोड़ो छोड़ो, मैं दे रहा हूँ तभी ये बिल पे कर रहा है। थैंक यू नजीब यार, भांजी की कुर्बान यार, कैश दे दिए मेरे। और नजीब को वॉलेट देख लें आप, मेरा नहीं। हाँ मेरा वॉलेट देख लें यार, कोई काम शाम हो गया कंप्लीट, अभी हम जाएंगे नजीब को छोड़ेंगे हॉस्पिटल। पहुंच गए नजीब की हॉस्पिटल साउथ सिटी, यहाँ पे ये प्रैक्टिस वगैरह करता है, ये माहौल चेक करें भाई साहब, ये कैंटीन में कुछ खिलाएगा पिलाएगा हमें, अभी तो मुझे लगा हुआ है बहुत सुसु। भाई आपका फाइनली फ्रेश फ्रेश होके, अभी मुँह मुँह धोके अभी जाएगा बाहर। खिलाओगे क्या खिलाओगे नजीब? यार ये आईडी कार्ड पे 50% ऑफ हो जाता है हमारा। हाँ तो तुम बैठो तो मैं खिलाता हूँ, जो बोले नजीब दिल का सखी है पर पैसे नहीं होते इस गरीब के पास नहीं वैसे यार मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारी यूनिवर्सिटी आके, ठीक है अभी ये साउथ सिटी में पढ़ता है ये मैं बता दूँ आप सबको। ठीक है वीडियो देखेगा एक शख्स जो दुख जाएगा उसको। नहीं नहीं ये साउथ सिटी में पढ़ता है ये के डॉक्टर है ना, डिप्रेस नहीं हो बस इस वजह से ना नजीब। हाँ यार ये तो सही है। यहाँ पे आपका भाई बैठा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरी बिल्डिंग की, ठीक है ये हमारा जो है ना के हिडन बिजनेस है, ये मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ अपने लिए, ठीक है यहाँ पे नीचे हॉस्पिटल वगैरह खोलूंगा, ऊपर बड़ा बिजनेस करूँगा भाई बड़ा। थोड़ी आपका भाई यूट्यूबर बना हुआ है, लेवल है भाई का, भाई लेवल है ऐसे थोड़ी। तो फाइनल जो मैं आया हूँ जगह पे आया हूँ। क्यों क्या हुआ? जलील की हॉस्टल है इधर ना बिजली है ना खाली, ये हालत है कुत्ते वाली जिंदगी जलील गुजर रहा है। मैं तो कहता उसको निकले यहाँ पे, नहीं इधर आया हूँ मजबूरी में, 2 दिन रहा हूँ, एक दिन और रहा ना तबियत। तो इस वजह से मैं नजीब को बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बंगले में स्टे करवाता हूँ, मजेदार जिंदगी जी रहो तुम, खामा खा तुम यहाँ पे। पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, आवाज से दर्द में आपका मेरा हो रहा होगा मतलब शो के, कितना मैं इधर खुआ रहा हूँ ये 2 दिन। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको चले मेरे साथ, मेरे बाल थोड़े खराब है वो इसको इग्नोर करें आप, क्योंकि कैप पहनी हुई थी,
अभी हम यहाँ से जाएंगे, साई को उठाएंगे, फिर जाएंगे बंगले पे, वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद सकून। कुछ ऐसे हैं कि मैं आ गया था चप्पल रात आके सो गया था, बहुत थक गया था क्योंकि आपको पता है कि मैं सारा दिन घुमा हूँ इसलिए बहुत थक गया था। सोरा उठ गया था, हमें टिकटें मिली ही नहीं तो अब हम क्या करें, इसलिए हम यहाँ पे फंस गए जानी शाह के साथ यहाँ पे। दिखा रहे सुबह सुबह लोग उठा, ओके नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, तो टिकटें मिल नहीं रही भाई, फंस गए यहाँ पे कराची में। अब देखें, अभी फिर सुबह को उठे, अभी जा रहे हैं टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन, देखते हैं मैं भी मिली तो वहाँ पे अच्छा होगा, नहीं मिली तो बुरा होगा। तो गाइस अभी हम गए थे रजिस्ट्रेशन पे, उन्होंने कहा कि टिकट सेंटर बंद है, 3 बजे खुलेगा, 3 बजे आना। अब देखते हैं क्या होता है सीन। फाइनली सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी लगी थी भूख, हमने कहा कुछ खा लें 3 तक, जब तक 3 हो जाए। अभी 2:30 हो रहे थे, कितना टाइम हुआ था, 14:11 हो रहे थे, मतलब 2:11, ठीक है जब तक खा लें तब तक उसको ख़त्म करते हैं। फाइनली हम ड्रिक से होके आ गए, नहीं मिली हमें टिकट यार, बहुत गर्मी है, एक तो गर्मी ने जलील किया हुआ है, ऊपर से टिकटें नहीं मिल रही। अभी ट्रेन की तो नहीं मिली, देखते हैं कोई लोकल पकड़ते रात, और कोई ऑप्शन नहीं है। फैसल से कॉल करके पूछा है, तो अभी देखते हैं किसी लोकल में, फैसल में भी नहीं मिली, उसको कॉल की थी हमने, उन्होंने कहा कि मुश्किल है, तो अभी जानी आ रहा है, ऊपर गया हुआ है, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम जो है पहुँच गए थे यहाँ पे, टिकट शिकट बाय कर ली, साई मेरे साथ है ब्रदर, चल रहे हैं अभी हम जा रहे हैं भाई सीधा गाँव, अपने अपने गोट। आप बताएं कैसे चलेंगे यार, टिकट ही नहीं मिल रही, कितनी मुश्किल हुई हमें ये बता दे, थोड़ा फंस गए थे, बहुत मुश्किल हो रही है। आप फंस गए थे ना, ये तैयारियां शारियां फुल कवरेज हो गई है, ये भी कवर हो, बैग शेक सब रेडी है, तो अभी नजीब शाह करवा रहा है, एंड ड्राइव करवा रहा है नजीब शाह, तो एंड ड्राइव जैसे होगी, ओके अल्टो वालों को डन करवाओ, क्योंकि हमें मिले मक्का कोच में, फैसल में नहीं मिली, और वड़ाइश भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी, बहुत घूम के आए नहीं मिली। अभी चलते हैं, अब मिल गई है घोटी, चलते हैं रास्ते में जो होता है देखते हैं, आपको पता दे लोग को, फिर करते हैं एंड। तो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे मक्का कोच में, बैठे हुए हैं साईं वाले भी साथ हैं, गरीब पानी कोच है बाबू, छड़ो लुड़ पड़ा है, छड़ो लुड़ हला, मज़ा नहीं आ रहा, इस वजह से हम जाके ना हमें घोटकी मिलते हैं आपके साथ में, मिलते हैं नजीब बोल रहा है कि भाई रास्ते में भी मिलते हैं, चलते चलते बनेंगे ना बाकायदा ये माहौल में, ये कोच भाई ओके सही है, बस इतनी भयल भी नहीं है। बंद करो पहुंच गए सईदाबाद में, यहाँ पे हमारा स्टाफ था, हमने कहा खाना शाना खा ले, उसके बाद फिर रवाना किए सीधा, आज मिलते हैं घोटकी में, नहीं घोटकी में रास्ते में मिलके फिर घोटकी में। यहाँ पे सुबह हो गई और 2-3 घंटे हो गए हम यहाँ पे फंस गए थे, थोड़ी देर पहले ड्राइवर और ट्रक वाले का फड्डा हो गया था, मरते मरते बचे हमने तो बीच में नहीं आए, पर साईं क्यों पता नहीं हंस रहा है वहाँ पे नजीब। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं घोटकी, और ये हमारा सामान आ गया गाड़ी में, और ब्लैक ब्यूटी इज़ रेडी फॉर पिकअप, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर, वहाँ पे मिलते हैं आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।